आज की वीडियो काफी ट्रेंडिंग वाली वीडियो है जो कि बहुत ही इमोशनल हो सकती है आप लोगों के लिए, जो कि मेरे लिए भी बहुत ही इमोशनल था। ये पूरा स्टोरी जो मैंने पूरी स्टोरी जो पढ़ी है उनके बारे में, तो मैं खुद बहुत इमोशनल हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी बताऊं पूरी हिस्ट्री उनकी, जो कि बहुत फेमस है बाबा का ढाबा। और एक है जमुरी बाबा जो है कुरमुरे बेचते हैं, वो भी बहुत फेमस हो चुके हैं। तो पूरा वीडियो देखना, अगर अच्छा लगे, अच्छा तो लगेगा यार, क्यों नहीं अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये वीडियो है जो काफ़ी कुछ दिन पहले काफ़ी जगह पे वायरल हो चुकी है, और ये वीडियो कुछ दिन पहले किसी ने फेसबुक पे डाली थी जो रातों रात पूरी वायरल हो चुकी, ठीक है। तो फेसबुक पे जिन्होंने डाला था उनका नाम था स्वाद ऑफिशियल करके कुछ नाम था उनके पेज का, और उन्होंने ये वीडियो डाली थी और रातों रात वो वीडियो पे 20 मिलियंस व्यूज आए थे, 80,000 शेयर हुआ, कितने सारे कमेंट्स हुए, रातों रात वो वीडियो वायरल हो चुकी है। और एक तरफ से अच्छी बात है कि हम अगर किसी को हेल्प करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कि किसी को अगर हम मदद कर सकते हैं तो यार वो उनके लिए बहुत अच्छा है। और बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितना हो सके अगर हम किसी को हेल्प करें ना, तो उनकी जो खुशी है वो खुशियों में थोड़ा सा खुशी हमें जो मिलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो बस, तो वो जो अंकल है, जो बाबा जी जो है, बाबा जी ढाबा जो है वो अंकल है, उनकी एज है 80 इयर्स ओल्ड, उनकी वाइफ का भी एज है 80 इयर्स ओल्ड, और वो दोनों अकेले रहते हैं, अपनी मतलब अकेले मतलब अपनी बेटी के साथ रहते हैं, और उनकी बेटी को भी बेटी है जो 12 साल की बेटी है उनकी, और वो अपनी बेटी को अपने घर पे अपने साथ रखते हैं। और दोनों हस्बैंड वाइफ वो जो ढाबा है वो चलाते थे, उन्होंने ये ढाबा स्टार्ट किया था 1990 से, जो कि 30 इयर्स हो गया है, 30 साल से वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब अब यही देख के हम कुछ सीख सकते हैं कि स्ट्रगल हर किसी को करना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि अच्छे दिन नहीं आते, अच्छे दिन आते हैं, बट टाइम लगता है, अच्छे दिन आते हैं। अब इन दोनों ने 30 इयर्स स्ट्रगल किया, और आज मतलब जब बुढ़ापे में जब कोई सहारा नहीं होता, और वैसे टाइम पे उनके अच्छे दिन आ गए, तो बस और क्या चाहिए यार। जब उनके साथ आज कोई नहीं है उनकी बेटी के सिवा, तो आज पूरी दुनिया उनके साथ खड़ा है। उनके बेटे उनके साथ नहीं रहते और उनकी बेटी उनके साथ रहती है, काफ़ी बहुत छोटे घर में रहते हैं वो। मैं आपको उनके घर की फोटो भी बता रही हूँ, आप लोग देख लीजिए उनका घर कैसा है। बेटी की बेटी को पढ़ाई करा रहे हैं, अपनी बेटी को पाल रहे हैं, और अब तो इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि पहले तो वो पूरा पूरा दिन निकल जाता था, उनका वो खाना खत्म नहीं होता था, वो लोग सिर्फ वेट करते थे। मॉर्निंग 8 o'clock से वो अपनी शॉप ओपन करते थे, ढाबा ओपन करते थे, और वो लोग वेट करते थे कि कब खाना खत्म हो और फिर हम घर जाए। रात हो जाती थी, 9 बज जाते थे, 10 बज जाते थे, पर उनका खाना खत्म नहीं होता था। बट अब उनका खाना इतना जल्दी खत्म हो जाता है कि उनके पास फिर कुछ बचता ही नहीं है, कि अब कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बेचूं। तो बीच में ऐसा हो गया था कि इतने कस्टमर्स हो गए थे कि उनको जल्दी दुकान बंद करके जाना पड़ा। तो बहुत अच्छी बात है, बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि जितना हो सके अगर हम किसी को अगर मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है यार। अगर हमारे आजू बाजू पे भी अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, अगर हम ऐसे हेल्प करते रहेंगे तो कोई किसी को तकलीफ नहीं होगी। हम इतनी तो मदद कर सकते हैं, हम होटल्स जाते हैं, होटल्स में हम टिप्स देते हैं, ऐसे ही टिप्स देंगे क्योंकि अच्छा दिखाने के लिए कि हाँ देखो हमने टिप्स दिया। बट इससे अच्छा अगर तुम ऐसे इनसे अगर खाओगे ना खाना,
तो वो जो दुआ मिलेगी ना उनसे, वो काफी बहुत 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 अच्छी दुआ रहेगी। तो बस इन लोगों की। और एक और एक अंकल है जो कि मालवी नगर से है, उनका नाम है जलमुरी बाबा करके नाम है उनका, और वो भी काफी वायरल हो चुके हैं। जो चना और कुरमुरे रहते हैं ना वो बेचते हैं। उनकी तो स्टोरी बहुत ज्यादा इमोशनल स्टोरी है उनकी, वो स्टोरी बोलते बोलते उनको रोना आ गया। और जो बाबा जी है, जो बाबा का ढाबा, जो बाबा जी है, वो भी यार अपनी स्टोरी बताते बताते रोने लग गए, क्योंकि वो जो इतने साल से जो इमोशनल, जो अपने दिल पे जो चीज़ छुपा के रखा है, और आज इतने सालों के बाद जो स्ट्रगल का जो मेहनत उन्होंने की है, आज जो रंग दिखाती है ना वो मेहनत, तो वो खुशी के आंसू अपने आप आ जाते हैं। तो बस ये जमुरी बाबा जो है, उनको दो लड़के थे, ठीक है, और उनमें से एक लड़के की डेथ हो चुकी थी, जो कि 27 साल का होके उनका बड़ा वाला लड़का, छोटा वाला लड़का, उनकी डेथ हो गई। और जो बड़ा वाला लड़का है उनका, वो कुछ साल बाद उनको लकवा हो गया। बड़े वाले लड़के की शादी हो गई, शादी के कुछ साल बाद उनको लकवा हो गया, मतलब पैरालाइज हो गए। और वो लड़के को अभी उनके पापा संभाल रहे हैं, दवाई सब कुछ वो कर रहे हैं। और उनके लड़के को भी, तीन लड़के हैं जो जिन्हें पैरालाइज हुआ है, उनको भी तीन लड़के हैं, और वो तीनों की पढ़ाई वो सब ये बाबा जी संभाल रहे हैं। ये बाबा जी 27 साल से ये दुकान संभाल रहे हैं, उनका जो ये स्टॉल है वो संभाल रहे हैं, और ये भी काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, बस एक ही उम्मीद में भी कि कभी ना कभी तो मेरा भी अच्छा धंधा होगा या अच्छा काम होगा। काम होगा, बस यही उम्मीद में वो डेली काम करते हैं। यार ये लोग है ना, मेहनत करते हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं। और जो इनकी एज है वो देखिए, उनकी मेहनत देखिए, वो लोग जो इतने प्यार से बनाते हैं वो देखिए, तो वो देख के हमें क्यों ना मन करे यार कि उनसे भी हम उनको थोड़ी मदद करें, और या उनसे कुछ लेके हम खाए। बस मेरा यही बोलना है कि प्लीज़ अगर हो सके तो उतनी हेल्प कीजिए, ऐसे लोगों को प्लीज़ हेल्प कीजिए, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे, ठीक है। तो बस आज के लिए यही था। और बस और एक बात, अभी जैसे दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे हो सके उतना मॉल से, ऑनलाइन से वो जो दिए रहते हैं वो सब लाना बंद कीजिए। जो रास्ते पे जो मिलता है, जो वो लोग मेहनत करके बनाते हैं, इतने धूप में वो लोग जो बैठते हैं बेचते हैं, उनसे आप लोग दिया लीजिए यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि प्लीज़ अगर हो सके ना तो मॉल से नहीं, ऑनलाइन से नहीं हो सके तो उनसे आप लोग दिया खरीदिए, ठीक है। वो लोग काफ़ी कम प्राइस में भी बेचते हैं और काफ़ी अच्छे भी बेचते हैं। हम ऑनलाइन लेने जाएंगे, वो डबल ट्रिपल भाव में वो लोग बेचेंगे, और हम ऑनलाइन देख के हम मंगा लेते हैं, बट हो सके ना तो उतना आप उनसे अगर आप खरीदोगे ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है, उनको भी थोड़ी मदद होगी। सो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।